बीस्ट जो कि थालापति विजय की 65 फिल्म है, और बीस्ट फिल्म के बाद में थालापति विजय की थालापति 66 फिल्म डायरेक्टर वामसी पेड़ीपल्ली के साथ में आनी है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, थालापति 66 फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे दिलराजू। साथ ही साथ इस फिल्म की कल लीड एक्ट्रेस और म्यूजिक डायरेक्टर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, थालापति 66 फिल्म की लीड एक्ट्रेस रहेंगी रश्मिका मंदाना, जिनकी कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, क्योंकि कल रश्मिका मंदाना जी का बर्थडे था। सो उनके जन्मदिन के मौके पर ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि थालापति 66 फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना रहेंगी। हालांकि दोस्तों, ये तो मुझे बहुत पहले से पता था कि थालापति 66 फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना रहेंगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी था। सो फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी। दोस्तों, रश्मिका मंदाना से पहले कीर्ति सुरेश का नाम जुड़ा था इस फिल्म से, और कीर्ति सुरेश से पहले कियारा आडवाणी का नाम जुड़ा था इस फिल्म से, लेकिन ना तो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हुई ना कीर्ति सुरेश। फाइनली रश्मिका मंदाना इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस निकली। वहीं पर दोस्तों, इस फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर हैं एस थामन, जो कि सरकारू वारी पाटा में म्यूजिक दे रहे हैं, और वही डायरेक्टर इस फिल्म में भी म्यूजिक देने वाले हैं, यानी कि थालापति 66 फिल्म है। और म्यूजिक डायरेक्टर की भी कल ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग को लेकर अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, आज से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होनी है, जहाँ पर शूटिंग का आज मुहूर्त निकाला जाएगा, और शूटिंग स्टार्ट करने के लिए आज पूजा होगी, जहाँ पर रश्मिका मंदाना आज चेन्नई पहुँच चुकी हैं, और विजय तो ऑलरेडी चेन्नई में रहती हैं। तो मतलब कि आज थालापति 66 फिल्म का चेन्नई में मुहूर्त निकलने वाला है, फिर कल से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत बिगेस्ट अपडेट है कि थालापति 66 फिल्म की फाइनली आखिरकार शूटिंग स्टार्ट होने लगी है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के विलेन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, विलेन को लेकर भी अपडेट आई है। तो दोस्तों, अपडेटों की माने तो इस फिल्म के लिए लीड विलेन के तौर पर एक्टर नानी को लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बट दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि नानी खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं, तो इस फिल्म के लिए वो कैसा विलन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विजय के सामने नानी जैसे स्टार तो बहुत छोटे हैं, सो हो सकता है कि नानी थालापति 66 फिल्म के लिए विलन बन जाए, क्योंकि मास्टर फिल्म के भी तो विजय सेतुपति विलन थे, तो उसी तरह से थालापति 66 फिल्म के लिए नानी ही विलन बन सकते हैं। ये अपडेट आई थी दोस्तों थालापति 66 फिल्म के लिए। आप लोग कमेंट कर बताना कि आप लोगों को इनमें से सबसे बेहतर अपडेट कौन सी लगी। और दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा संक्रांति 2023 में, मतलब कि पोंगल 2023 में थालापति 66 फिल्म रिलीज होगी। और इस फिल्म की अगर टाइटल की बात करें, तो थालापति विजय के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का टाइटल रिवील किया जाएगा, साथ ही साथ फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिवील किया जाएगा। थालापति विजय का जन्मदिन है 22 मई को, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है।